हेलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.27 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस थ्रू आउट। सो हमारे पास यहाँ पर हम एक्सिस बना लें, दिस इज एक्स और दिस इज जेड। तो कह रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्रू आउट किधर है, जेड डायरेक्शन में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कॉन्स्टेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट नहीं है बट चेंज हो रहा है अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन विद द रेट ऑफ 10^5। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट अ रेट ऑफ 10^5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें दी हुई है DE/dZ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन विच इज 10^5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। ये DE/dZ की वैल्यू दी है। वॉट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम। तो देखो फोर्स की वैल्यू पूछी है हमारे पास क्वेश्चन में एंड टॉर्क की वैल्यू पूछी है। हैविंग अ डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10^-7 कूलम मीटर इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। किधर की तरफ है ये डाइपोल मोमेंट, इधर की तरफ। बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 10^-7 कूलम मीटर, सॉरी। अच्छा तो देखो पहले हमें फोर्स पता करना, तो फोर्स की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, Q इंटू डी। अब देखो हमारे पास Q तो हमें मालूम है, या तो हमें सॉरी इस क्वेश्चन में ना तो हमें Q मालूम है ना सिर्फ DE की वैल्यू मालूम है। तो मैंने क्या किया, Q अपॉन DE/dZ कर लिया। क्यों किया, क्योंकि dZ की वैल्यू हमारे पास गिवन है और dZ का इसमें डिवाइड किया तो dZ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मैथमेटिकली उसे करेक्ट रखने के लिए। लाइक 5 है उसमें अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई कर दूं, 7 का डिवाइड कर दूं तो मैथमेटिकली तो कोई डिफरेंस रहा नहीं। तो मैंने dZ की मल्टीप्लाई की, dZ का यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया। अब ये जो हमारे पास टर्म F आ गया हमारे पास QdZ इंटू DE/dZ। तो QdZ क्या है, यानी कि चार्ज इंटू dZ की मल्टीप्लाई। ये तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई, ये क्या होता है हमारे पास आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या निकाल लिया, क्यू और dZ की डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला जो हो गया हमारे पास वो हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया हमारे पास F इज इक्वल टू P इनटू DE/dZ, ठीक है ना। अब P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -10^-7 और DE/dZ की वैल्यू कितनी है, 10^5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10^-2 एंड माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। या ये को ये दूसरी बात इसमें हमारे पास ये, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग इज जेड एक्सिस एंड द डाइपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो वो शो कर रहा है फोर्स हमारे पास इतना होगा। अब उन्होंने अगली जो चीज पूछी है बी पार्ट इज टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी क्रॉस ई, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो टॉर्क इज पी ई साइन थीटा, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। अच्छा तो देखो ये हमने डायग्राम बनाया, ई की वैल्यू है पॉजिटिव जेड एक्सिस इधर की तरफ ई और पी किधर है, नेगेटिव है P इधर है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ, 180 का एंगल हुआ। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, PE साइन 180। अब हमारे पास साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो बताओ साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू होती है 0। सो टॉर्क विल बी 0। सो द फोर्स इज दिस एंड टॉर्क इज दिस। होपफुली दिस विल हेल्प। थैंक यू।